नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। एक भाई का मुझे मैसेज आता है टेलीग्राम पर, और वो कहते हैं भैया सुबह सुबह हस्त मैथुन करने की आदत लग गई है। जी हाँ भाइयों, और मतलब अभी तक हम ये देख रहे थे कि बहुत से भाइयों की आदत है कि वो रात में सोते समय, जब सारे परिवार वाले सो जाते हैं, सब लोग सो जाते हैं, रात में 12-1-1 बजे कोई चद्दर ओढ़ के, कोई रजाई ओढ़ के, कोई बाथरूम में जाकर ये क्रिया कर रहा है, हस्त मैथुन कर रहा है। लेकिन ये भाई ने जो मुझे बताया तो मैं काफी सोच में पड़ गया कि सुबह सुबह, यानी कि ये बताते हैं कि भैया सुबह सुबह, जैसे ही कई बार होता है कि मेरी आंख 5-1 बजे खुल जाती है, ये भाई बताते हैं कि 5-1 बजे सुबह मेरी आंख खुल जाती है तो मैं पाता हूं कि मेरे प्राइवेट पार्ट में, मेरे लिंग में उत्तेजना रहती है। अब वो जो उत्तेजना रहती है, जो तुरंत मेरे अंदर एक ऐसे एक ऊर्जा, मुझे एक ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा मुझे लगता है कि यार कुछ करना चाहिए। हालांकि मैं चाहता हूं कि मैं वो क्रिया ना करूं, मैं हस्त मैथुन नहीं करूं, मैं मास्टरबेट नहीं करूं, लेकिन मैं पाता हूं कि बहुत ज्यादा उत्तेजना बढ़ गई और तुरंत दिमाग में गंदे विचार आने लगते हैं। अब वो गंदे विचार जैसे ही आते हैं, मैं अपना मोबाइल फोन खोलता हूँ, चद्दर को अपने मुंह पे डालता हूँ और उसमें सर्च करता हूँ, और वॉल्यूम को बंद करके, यानी कि फोन के वॉल्यूम को बंद करके वो देख लेता हूँ और अपने आप को उत्तेजित करता हूँ अंदर ही अंदर। कई बार तो प्रोन मास्टरबेशन करता हूँ, प्रोन मास्टरबेशन यानी उल्टा लेट कर क्रिया करना चादर ओढ़ के। और ये बताते हैं कि ये अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता तो जाता हूँ और बाथरूम के अंदर वो क्रिया करता, घर्षण करता। तो भैया इसके बाद जब मैं महसूस करता हूं तो बहुत ज्यादा मुझे गिल्ट लगता है कि ये मैंने क्यों किया, और ये हर दिन हो गया है, हर दिन रोज मुझे पछतावा होता है, रोज मैं फिर से वही काम करता हूँ, रोज मुझे पछतावा होता है और मैं फिर वही काम करता हूँ। शाम शाम में मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल से नहीं करूंगा, लेकिन सुबह उठते ही मैं फिर से कर देता हूँ। तो मैं इससे कैसे बचूं, कैसे बाहर निकलूं? और ये सुबह सुबह जो मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा मुझे हानि हो रही। तो बिल्कुल सही सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। जो मेरे भाई सुबह मास्टरबेट करने की आदत जिनको लग गई है, जो सुबह सुबह ये सोचने की उत्तेजना बढ़ गई है तो मैं कर लेता हूँ, कई बार तो ऐसा कि उन्हें नाइटफॉल हो जाता है तो तुरंत वो उसके बाद हस्त मैथुन कर लेते हैं। तो मेरे भाई ये वीडियो जरा ध्यान से देखना, शायद आपको अंदाजा नहीं है आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। देखिए सबसे पहले तो सुबह सुबह क्या होता है, हमारा शरीर रात में सो गया, ठीक है, अब शरीर को आराम चाहिए, शरीर में रिकवरी भी हो रही है। अब वो रिकवरी पूरी हो कहां से भैया, ठीक है, क्योंकि शरीर जानता है कि ये व्यक्ति अपनी ऊर्जा निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है। अब सुबह होते होते क्या होता है कि हमारे लिंग में तनाव पैदा हो जाता है, ठीक है, जबकि ये एक अच्छा लक्षण है। जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, ये एक अच्छा लक्षण है, ये एक ऐसा लक्षण है कि हाँ भाई आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की भरमार है, टेस्टोस्टेरोन आपका अच्छा है। अगर आप अभी मास्टरबेट कर रहे हो या ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और सुबह आपके प्राइवेट पार्ट में आपको तनाव आता है, ऐसा लगता है कि टाइट है या बड़ा हो गया, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है, तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम मास्टरबेट कर लें। अभी आधे से ज्यादा भाइयों को पूरा नॉलेज ही नहीं, वो जैसे उन्हें लगता है उत्तेजना हो गई, इसका मतलब भैया वो संकेत दे रहा है, वो संकेत दे रहा है भैया टुल्लू अब वो ये कर लो। बताइए अब मैं इस पर, मतलब यही बात है। अब ये क्या है कि भाई लोग मुझे जब मैसेज करते हैं ना, तो इससे मुझे खुद एक वो मिलता है कि ये तुरंत इस पर वीडियो बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें साझा करनी चाहिए। तो सुबह सुबह ये गलती बिल्कुल मत करो, क्योंकि मेरे भाई ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सुबह सुबह मास्टरबेट करना यानी कि पाचन तंत्र पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना। सुबह सुबह आपका जो कहते हैं ना कि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे मस्तिष्क में भी खून नहीं होता, उतर जाता है धीरे धीरे, सुबह भी उठे तो बिल्कुल धीरे धीरे करके उठे। लेकिन यहाँ तो सुबह उठते ही गंदे विचार आ रहे हैं, तनाव हो गया तो भैया मास्टरबेट कर लेता हूँ, खाली पेट सुबह सुबह मास्टरबेट कर रहे हैं, तो सोचिए कितना बुरा असर होगा आपके शरीर पे, यहाँ तक कि आपकी आंखों की ज्योति तक कम हो सकती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई अभी भी सुबह सुबह करता है, या कोई ऐसा कि मैं कभी कभी करता हूँ सुबह सुबह, मैं ज्यादातर रात में करता हूँ, तो मेरे भाई दिक्कत हो जाएगी। और कुछ कुछ भाई तो कमाल ही कर देते हैं, रात में हस्त मैथुन किया, सुबह उठ के तनाव आया और फिर से हस्त मैथुन कर दिया, यानी कि उनने भैया दो दो तीन तीन बार दिन में लड़ लिए। तो इससे होगा ये कि आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, आपकी आंखों में दर्द बना रहेगा, और जब आप सुबह सुबह मास्टरबेट कर लेंगे उसके बाद आपको बहुत तेजी से नींद आएगी, बहुत तेजी से, क्योंकि आप थक चुके होंगे, क्योंकि ये क्रिया में आदमी बुरी तरीके से थक जाता है, जबकि उसे यही मेहनत कहीं और करनी है, ये मेहनत वो कर रहा है हस्त मैथुन करने में, अपने शरीर को बिल्कुल निचोड़ रहा है, लेकिन जबकि ये मेहनत उसे दूसरे कामों में करनी चाहिए। अब वो सुबह सुबह ये चीजें कर रहा है भैया लगातार, अब उसके बाद उसको नींद आ गई, वो सो गया, उसके बाद जब उठेगा तो उसके दिमाग में तेज दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि यार यार ये क्या हो रहा है, मेरी शायद नींद पूरी नहीं हुई है, ठीक है। इसी के चक्कर में उसको दिन भर आलस्य आता रहेगा, उसको आलस्य घेर लेगा। इतने में अगर घर वाले कह दें कि चल भैया कुछ काम कर ले, तो तुम्हारा मन कहेगा तुरंत नहीं आज नहीं कल से करूंगा, कल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, कल से ये काम करूंगा, और यही तुम्हारा मन तुम्हें मार देगा बार बार। मेरी बात ध्यान से समझना, ये हमारे बहुत से भाइयों के साथ हो रहा है, ठीक है, और इसी कारणवश आप आलस्य में घिरे रहोगे और रात में आपको नींद भी जल्दी नहीं आएगी, आप 12-1-1 बजे तक सोगे, आपका अंतिम जो मोबाइल आप देखेंगे पूरा हो सकता है, बहुत से भाई कहेंगे हम अच्छा कंटेंट देखते हैं, अच्छे कंटेंट के बाद धीरे से वासना चढ़ती है, कुछ ट्रिगर हो जाता है, उसके बाद हम वो वीडियो देख लेते हैं, वॉल्यूम बंद कर देते हैं, या फिर हम बाथरूम में चले जाते हैं जब लोग घर के सब सो जाते हैं। क्योंकि ज्यादा देखा गया है जिनका छोटा मकान है, हमारे जो भाई हैं वो ये प्रोन मास्टरबेशन, कोई कोई जिनका कमरा है वो प्रोन मास्टरबेशन करते हैं,
जिनके यहाँ कमरा नहीं है, एक मतलब छोटा घर है उनका, तो वो जाकर बाथरूम में ये क्रिया करते हैं चुपचाप और धीरे धीरे, उनका अपने ऊपर काबू नहीं है। तो मेरे भाई ये बहुत ही, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आपको ये अंदाजा नहीं है या फिर आप समझना नहीं चाह रहे हो, या ये मन आपसे ज्यादा पावरफुल है। हालांकि देखो मन तो हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसी को जीत लेना ही तो ब्रह्मचर्य है। इस मन को काबू कर लेना, अपने इशारों पर इसे नचाना, अपने आप हमें, अभी ये मन हमें नचा रहा है, ये इंद्रियां हमें नचा रही है, लेकिन हमें इसे नचाना है। तो यही तो है तपस्या, यही तो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो मैं उनसे सबसे पहले यही कहूंगा कि सबसे पहली बात, कान खोल के अच्छे सुन लेना मेरे भाई, ठीक है, आपका भला चाहता हूँ, अच्छे के लिए कह रहा हूँ। सुबह अगर आपके प्राइवेट पार्ट में तनाव आता है, कोई नाइटफॉल हो जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वीर्य निकल गया है, ठीक है, आपने कोई गलत चेष्टा नहीं करी, आपने कुछ गलत नहीं देखा, और फिर भी वो जैसे जो लोग मतलब गलत देख भी लेते हैं उन्हें भी अगर हो रहा है, तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि पहले आपको गलत कुछ देखना नहीं है। और अगर किसी कारणवश आपने देख लिया और सुबह सुबह ये सोच रहे हो कि मास्टरबेट कर लेता हूं, तो ऐसा मत करना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो खाया पिया अपन ने करा वो तो नुकसान दे है ही एक प्रकार से, लेकिन सुबह सुबह जब आपको सुबह सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, योग प्राणायाम एक्सरसाइजेस करना चाहिए, बाहर वॉकिंग पे जाना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, उसकी जगह आप सुबह सुबह मास्टरबेट कर रहे हो। आपके शरीर में इस समय देखो पूरी तरीके से प्रकार से रिकवरी हो रही होती है, लेकिन वो रिकवरी भी आप छीन लेते हो, सुबह उठते ही मास्टरबेट कर दिया, भैया पाचन तो डिस्ट्रॉय होता ही हो, पेट में अलग दर्द होगा, ये ऊपर की ओर जो प्राइवेट पार्ट से ऊपर की जगह है वहां पर दर्द होगा, यहाँ तक कि आपके टेस्टिकल्स में भी दर्द होगा अगर आप सुबह सुबह मास्टरबेट करेंगे तो। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो मेरे भाई, ये पेन होने लगेगा पेट में आपके, बहुत ऐसा दर्द होगा, उसके बाद आपकी फिर गलत दिनचर्या वो अलग, ये बिल्कुल नस नाड़ियां हर एक चीज ढीली हो जाएगी, यहाँ एक पेन बना रहेगा नीचे की ओर, बहुत वो पल पल पे ऐसा दुखता रहेगा, लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आ रहे हैं। शायद हमारे बहुत से भाइयों को होता है, मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस प्राप्त होते हैं, तो उन्हें कह दूं सबसे पहले घर्षण करना बंद करो, वो बहुत सेंसिटिव जगह है, कोई लोहे की नहीं बनी, तुम जितना उसमें घर्षण कर रहे हो उतना पूरे शरीर का घर्षण कर लो, मेहनत कर लो, तो क्या से क्या बन जाओगे। तुम मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हो भाई, जो जिसका तुम घर्षण कर रहे हो ना वो बहुत ही कमजोर जगह है, अगर वो बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है, उसकी जगह घर्षण अपने शरीर का करो, इसको कठिनाई में लाओ जरा, इसको तपने दो, मेहनत करवाओ इससे, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। बाकी सुबह अगर आपको तनाव आ रहा है तो मेरे भाई एक अच्छा संकेत है, टेस्टोस्टेरोन आपका अच्छा है, लेकिन इस टेस्टोस्टेरोन को कम मत कर लेना हिला हिला के, ठीक है। तो सुबह अगर तनाव आए तो उठिए, ठीक है, हो सके जाइए गुनगुना पानी पीजिए और बढ़िया सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए, मेरा एक सुझाव है आपके लिए। और नहीं अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लिए बहुत बढ़िया, सुबह उठें थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, मुंह हाथ धो लें, फ्रेश वगैरह हो लें अच्छे से, ठीक है, योग प्राणायाम करें, रनिंग पे निकल जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि वीर निकल गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, गलत चेष्टा करोगे गलत देखोगे तो गलत ही होगा, और अगर ऐसे ही हो रहा है आपने कुछ गलत नहीं देखा तो शरीर का अभ्यास से अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई भाइयों? तो सुबह सुबह हिलाने के परिणाम बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत ही ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी बहुत से भाइयों की आंखों की ज्योति कम हो रही है, वो कहते हैं कि भैया आंखों में दर्द बना रहता है नीचे की तरफ, काले गड्ढे होते जा रहे हैं, चेहरे का पानी पूरा, चेहरे का मतलब जो नूर होता है पानी होता है ना चेहरे में, सब पहला सुखड़े होते जा रहे हैं। भैया सुबह सुबह मास्टरबेट, ये तो समझ लीजिए बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि देखो दिन भर में क्या होता है, हम दिन भर किसी काम काज में लगे हैं, मेरी बात को समझना, दिन भर किसी काम काज में लगे हैं, बहुत मेहनत करी है, किसी का बिजनेस है, किसी कुछ काम है, वो रात में आ रहा है, वो चाहता है कि मुझे थोड़ा रिलीफ मिले। अब वो रिलीफ के चक्कर में बंदा रात में क्या करता है कि यार बाहर तो कोई साला परेशान हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, सब मतलबी लोग हैं, कोई गाली गलौज कर रहा है, परेशानी है, मुझे सुख नहीं मिल रहा, अब मैं सुख कहाँ ढूंढूं, सुख ढूंढूंगा उसके अंदर। अब वो पॉर्न वीडियो लगा लेता है रात में, वॉल्यूम बंद कर लेता है भैया, वो देखता है, अब रात में उसको वो इमेजिनेशन एक सुख दे रही होती है, उसे लगता है यही सुख है, बाकी जीवन में तो सब दुखी दुख है, बस एक यही सुख है, जबकि उल्टा हो रहा है, जीवन में सुख है बिल्कुल है और दुख उसमें है जिसको तुम सुख समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। अब रात में बंदा देखता है, अब रात में पूरे दिन भर से आया थका हारा, उसे बढ़िया एक नींद लेनी चाहिए जो कि बहुत अच्छी नींद आएगी उसको, लेकिन नहीं, इंद्रियां हम पर हावी हावी हैं, 8 साल 10 साल का जो अभ्यास है वो उसे वही वीडियो दिखाएगा, वो वीडियो वो देखेगा, मास्टरबेट कर लेगा। मतलब शरीर की रिकवरी होनी चाहिए तो वो तो हमने निकाली थी, ठीक है, अगर हम रात में अच्छा सो जाएं, 7-8 घंटे की नींद ले लें तो शरीर रात भर में रिकवरी करेगा, लेकिन यहाँ तो दिक्कत यह हो रही है कि बंदा रात में भी हिला रहा है और वही बंदा सुबह होते होते अगर उसकी रात की रिकवरी पूरी हुई भी होगी जैसे तैसे तो उसने सुबह हिला लिया, और रात से मतलब जो रात में आपने मास्टरबेट किया ना उससे ज्यादा नुकसानदायक सुबह का है, तुम ये समझ लो अच्छे से। अगर सुबह करने की आदत है रुक जाओ अभी के अभी, अगर तुम्हें दिक्कत है सुबह उठो जाके सबसे पहले अपना गुनगुना पानी वगैरह पी के फ्रेश होकर सीधा नहा लो, स्नान कर लो और भगवान की पूजा पाठ करो, जो भी आपके इष्ट आराध्य है उनका नाम लो, नाम जप करो, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इंद्रियां तुम्हारे खिलाफ होंगी, इंद्रियां नहीं चाहती तुम ये सब करो, लेकिन तुम्हें अपने आप से युद्ध लड़ना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों से युद्ध लड़ना पड़ेगा और उसे काबू में करना पड़ेगा, ये 1 या 10 दिन का खेल नहीं है, तपस्या है, तपना तो पड़ेगा।
अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जीवन आपके हाथ में है, मैं सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूं, चलना आपको पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है? तो समझो इस बात को, बाकी वो एडिक्शन जो वो गंदे फंदे वीडियो है इनसे दूर रहो, ये बहुत खतरनाक है, ये तुम्हारे मस्तिष्क को बर्बाद करके रख देंगे। यकीन मानो मेरे भाई, जीवन में किसी भी काम में कामयाब नहीं हो पाओगे अगर उन वीडियोस को देखते हो तो। आज जितने भी अपराध हो रहे हैं उन्हीं वीडियोस की वजह से, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है? कोई बताए चाहे नहीं बताए, कोई इस पर बात करे चाहे नहीं करे, मैं करता हूँ, ठीक है ना? तो गारंटी है ये उन्हीं वीडियोस की वजह से होता है। और ये यकीन मानो जीवन में कोई काम सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम जो भी काम करने जाओगे, एकाग्रता अपनी लगाओगे, गंदे विचार आने लगेंगे और उन वीडियोस की याद आने लगेगी। समझ जाओ मेरे भाई, ठीक है? हमारे वीडियोस देखो, बाकी और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे, अपने अनुभव पर भी वीडियो लाऊंगा। बाकी मैंने अभी चैलेंज दिया हुआ है 7, 15 और 30 का, ठीक है? जिनको भी अपने अनुभव शेयर करना है वो सीधे इस वीडियो में, मेरे चैनल के किसी भी वीडियो में या जिसमें मैंने चैलेंज दिया था उस वीडियो में, आप अपना अनुभव, अपना नाम और आप कहां से, ये लिखने के बाद अपना अनुभव बता सकते हैं, ठीक है? तो मैं समय समय पर देखता रहता हूँ, जिन जिन भाइयों के मैसेज मुझे प्राप्त हो जाएंगे, अच्छा मेरे को लगेगा, ईमानदारी से जो अपने अनुभव बताएंगे उनके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है मेरे भाई? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।